स्थायी कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर स्वागत भवन के पास स्थित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सामने बैठे क्रमिक भूख हड़ताल पर। इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे नाराज कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारियों की कई और समस्याएं हैं, जिसको लेकर अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण मंडल रीवा से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा की गई। उनके द्वारा समझौते में लिए गए निर्णय को कार्यपालन यंत्री भवन एवं सड़क संभाग रीवा को आदेशित किया गया था कि स्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची पदवार बनाकर अभियंता कार्यालय भेजी जाए। साथ ही स्थायी कर्मचारियों की पासबुक बनाकर उनके वेतन से एमपीएस की काटी गई राशि पासबुक में दर्ज किया जाए। स्थायी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान कराया जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों स्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। साथ ही स्थायी कर्मचारियों को योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाए, लेकिन 7 माह बीत जाने के बावजूद भी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क संभाग रीवा द्वारा एक भी समस्याओं का निदान नहीं किया गया है। समस्याओं के निदान नहीं किए जाने की वजह से 11 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस राजकुमार चौबे से प्राप्त जानकारी के अंश। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किए जाने के आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग में लगभग 900 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया गया था। उसी आदेश में एक और आदेश जारी किया गया था कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के जो पद रिक्त हैं उनमें अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यहाँ लोक निर्माण विभाग में लगभग सैकड़ों पद चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची नहीं बनाई गई। कई बार संगठन द्वारा आंदोलन मुख्यमंत्री कार्यालय अधीक्षण अंतर कार्यालय में किया गया इनकी अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची बनाई जाए। अभी फरवरी 2021 में अधीक्षण यंत्री कार्यालय में आंदोलन हुआ था, उन्होंने समझौता किया था कि 1 माह के अंदर कार्यपालन यंत्री मांगे क्या क्या है आपकी नियमित किया जाए। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारे यहाँ है कि जो चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं विभाग में उनको अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अस्थायी कर्मचारियों को वेतन विसंगति हो, वेतन संबंधी अस्थायी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका बनाई जाए, जो इनके वेतन से एनपीएस की राशि काटी जाती है इनके पासबुक में दर्ज किया जाए। इनके वेतन से तो काटी जा रही है लेकिन इनके पासबुक दर्ज नहीं की जा रही है, इनको एरियर नहीं मिल रहा है। ऐसे लगभग हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। इनको मैंने 15 तारीख को नोटिस जारी किया था कि हमारी 11 सूत्री मांगों का निराकरण कर दें, लेकिन यहाँ के जो कार्यपालन गर्ग जी हैं वो पद में अनुभागीय अधिकारी हैं लेकिन कार्यपालन यंत्री का प्रभार नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं लेकिन उनको प्रभार नहीं मिला है, इसलिए ये वरिष्ठ पदों का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। मैंने न तो शासन का आदेश मान रहे हैं, न मुख्यमंत्री का आदेश मान रहे हैं, किसी का आदेश नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं कि हमको नहीं करना है। आज 7